बावजूद में हर्ष कुहर को कलाकार की किस्मत बदल जाती है कहते सत्य है। कुछ सीजनों में अभिनय करने के बाद बाल कलाकार यज्ञ भसीन ने फिल्म पंगा में कंगना रानौत व जस्सी गिल के बेटे आदित्य का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये गोपीवीत को स्टार बना दिया। इसके बाद यज्ञ भसीन ने बाल नरेन और विश्वा में शीर्ष भूमिका निभाई। इन दिनों वह फिल्म छोटा भीम एंड कर्स ऑफ दमयान को लेकर उत्साहित हैं। 31 मई को प्रदर्शित होने वाली फिल्म छोटा भीम एंड कर्स ऑफ दमयान में यज्ञ भसीन ने छोटा भीम का किरदार निभाया है। यज्ञ भसीन जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। यज्ञ, आप बहुत छोटी उम्र में कलाकार बन गए थे, क्या कोई घटनाक्रम था जिसने आपको प्रेरित किया कलाकार बनने के लिए? मैं पहले से फिल्म टीवी सब बहुत देखता था, सो एक बार देखती देखती मुझे ऐसे अंदर से इच्छा आई कि मुझे भी उन्हीं एक्टर्स की तरह टीवी पर देखना है, मुझे भी टीवी पर आना है। सो मैंने अपने पापा को बोला। सो पहले तो पापा को लगा मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, उस टाइम छोटा ही था मैं, तो ऐसे ही बच्चा मजाक कर रहा है। बट जब मैंने बार बार बोला, इंसिस्ट किया, तो पापा को पता लगा अच्छा मैं सीरियस हूँ। तो उन्होंने मम्मी से बात की और हम सब फिर मुंबई शिफ्ट हो गए थे एक्टिंग करियर के लिए। तो उसके बाद बहुत ऑडिशंस के बाद फिर फाइनली मुझे ब्रेक मिला है एक टीवी शो में, मेरे साईं, जिसमें मैंने कैमियो किया था 1 to 2 months के लिए, और उसके बाद बस फिर करियर चलता गया। तो सीरियल मेरे साईं के बाद आपका करियर कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या किया फिर? मैंने कुछ एड्स किए थे, जैसे नेरोफिक्स एक ग्लू का एड किया था, और मैंने शाहरुख खान सर के साथ वी नरेश का ऐड किया था, और मैंने अमिताभ बच्चन के साथ भी एक ऐड किया था ग्रीन डीड्स गुड डीड्स के लिए, जो क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए था। और उसके बाद मैंने टीवी शोज भी किए थे, जैसे CID हो गया, कृष्णा चली लंदन हो गया, और मैंने कुछ वेब सीरीज भी किए थे जैसे द ऑफिस। एंड उसके बाद मुझे मेनली फिल्म मिली थी 2020 में पंगा, जिसमें मैंने कंगना रनौत मैम और जस्सी गिल सर के बेटे का रोल किया था। और उसके बाद मैंने एक और टीवी शो किया था, ये है चाहते, जिसमें मैंने सारांश खुराना का रोल किया। और उसके बाद मेरी दो और फिल्म्स है, बाल नरेन और विश्वा, जो अभी रिलीज नहीं हुई है। बाल नरेन और विश्वा किस तरह की फिल्में हैं, और दोनों में मेन लीड है कि क्या है? बाल नरेन और विश्वा दोनों में ही मैं टाइटलर रोल प्ले कर रहा हूँ, बाल नरेन में नरेन और विश्वा में विश्वा का ही रोल। बाल नरेन बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक बच्चे के ऊपर है, वो नरेन नाम के, जो अपने पूरे गांव को क्लीन करना चाहता है, और बेसिकली क्लीन इंडिया कैंपेन पे वो बहुत बिलीव करता है, और वो अपने पूरे गांव को क्लीन रखना चाहता है। और जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो वो अपने पूरे गाँव को कोविड फ्री रखना चाहता था। और जो विश्वा फिल्म है वो एक ब्लाइंड बॉय पे बेस्ड है, जिसे रनिंग बहुत पसंद है, मैराथन, और वो एक ब्लाइंड इंसान के चैलेंजेस को एक्सप्लोर करती है कि एक ब्लाइंड बॉय को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वो ब्लाइंड बॉय विश्वा कैसे अपने ड्रीम को पूरा करता है एक रनर बनने का। तो ब्लाइंड का किरदार प्ले करने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली थी, क्या था, कैसे था उसको, और शूटिंग्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। आई थिंक 3 months तक तो सिर्फ वर्कशॉप्स ही चली थी कि कैसे मैं एक ब्लाइंड बॉय का कैरेक्टर प्ले करूँगा। तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स समझाई थी, जैसे आईज को कैसे सिखाएं कि आप डीफोकस कर दो हर कुछ, तो सब आपके लिए ब्लर हो जाएगा, और कैसे ब्लाइंड लोग कैसे एक्ट करते हैं। और जो उनका प्रोडक्शन हाउस था, वो मुझे बहुत सारे ब्लाइंड लोगों के ऑर्फनेजेस में भी लेके गए थे, ब्लाइंड स्कूल्स, जिससे मुझे पता लगे कि ब्लाइंड लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं, अपने रेगुलर काम कैसे करते हैं। सो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगी थी। आपने पंगा फिल्म आई थी 2020 में, काफी सफल फिल्म मानी जाती है, उससे आपको भी एक नाम मिला, पहचान मिली, उसके बाद करियर जिस तेजी से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा, क्या हुआ? मेरे ख्याल से एकदम सही डायरेक्शन में बढ़ा है करियर आगे, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली 2 टाइटल रोल्स की फिल्म्स, और फिर छोटा भीम आ रहा है। सो मेरे ख्याल से एकदम गुड डायरेक्शन में बढ़ा है। पंगा के बाद भी मेरे पास आए थे फिल्म के कुछ रोल्स, बट दे वर बेसिकली द सेम एज पंगा,
सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. सो इसलिए उसके बाद जब मेरे पास बाल नरीम का आया मेरे पास अपॉर्चुनिटी, सो आई वॉज रियली हैप्पी. एंड देन उसके बाद बाल नरीम, आई माई सेल्फ बिलीव इन क्लीन इंडिया कैंपेन, सो इट वॉज वेरी गुड फॉर मी एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू डू दैट बिकॉज नरीन इज बेसिकली माई कैरेक्टर. मैं भी नरीन की तरह ही हूँ, मैं भी क्लीन इंडिया पर बिलीव करता हूँ. एंड विश्वा तो यूनिक ही कैरेक्टर है. मैंने आज से पहले ब्लाइंड किसी ब्लाइंड इंसान का रोल प्ले नहीं किया. और उसके बाद छोटा भी, वो तो मेरा फेवरेट ही कैरेक्टर है, माई फेवरेट कार्टून. सो एकदम मस्त डायरेक्शन में बढ़ा है आगे. छोटा भीम का ऑफर कैसे मिला आपको? बाल नरीम के बाद मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहा था. मेन कुछ आ रहे थे अपॉर्चुनिटीज, बट देवर एज आई सेड इट वॉज सिमिलर टू माई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. बट एक बार मुझे ऑडिशन का कॉल आया था पापा को, एंड उन्होंने बोला ऐसे कि छोटा भीम फिल्म है, उसका लाइव एक्शन बन रहा है. देन आई वॉज रियली एक्साइटेड. आई वॉज जस्ट जम्पिंग कि ओ माई गॉड पंगल, छोटा भीम फिल्म. बिकॉज मैं बचपन से ही छोटा भीम देखता आ रहा हूँ, इट इज़ माई फेवरेट कार्टून. मैंने अपने ये हाथ भी तोड़वा लिया था छोटा भीम की एक्टिंग करते हुए. आई जम्प्ड आउट ऑफ माय अलमीरा. सो आई वाज रियली एक्साइटेड. तो मैं ऑडिशन के लिए गया, एंड देन बार बार मुकेश छाबरा सर, उनकी जो कास्टिंग है, उन्होंने बार बार मुझे वहाँ पे बुलाया ऑडिशन के लिए, रीटेस्ट के लिए. एंड फाइनली आफ्टर 1 to 2 months ऑफ ऑडिशंस, वर्कशॉप स्टार्ट हुई जिसमें और भी जो कैंडिडेट्स थे, भीम और उसके सारे टीम के सारे कैंडिडेट्स, उन सबके साथ वर्कशॉप्स हुई. एंड देन फाइनली मैं फाइनलाइज हुआ था अराउंड 3 to 4 months सिंस द फर्स्ट ऑडिशन. छोटा भीम का किरदार निभाने के लिए आपको अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी, क्या क्या सीखना पड़ा? पहली तैयारी जो मैंने की वो था छोटा भीम को फिर से देखना स्टार्ट करना. सो मैंने बिंज वॉच कर दिया छोटा भीम को. मैं करीबन 1-2 महीने तक लगातार छोटा भीम देख रहा था, जितने भी एपिसोड हो सकते थे मुझसे, जिसने मुझे एक फील मिल जाए कि छोटा भीम कैरेक्टर क्या है, वो डायलॉग्स कैसे बोलता है, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच पैटर्न. एंड देन उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट की थी जिससे मैं थोड़ा फिट लगूँ. छोटा भीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए, सो जिससे मैं फिट लगूँ. एंड देन मैंने स्ट्रेचिंग इसलिए भी स्टार्ट की थी जिससे छोटा भीम जब एक्शन सीक्वेंसेस कुछ करेगा तो मुझे उसमें प्रॉब्लम ना आए, माई बॉडी विल नॉट बी स्टिफ दैट टाइम. एंड उसके बाद तो प्रोडक्शन ने भी वर्कशॉप्स करवाई ही थी, डायलॉग प्रैक्टिसेस हुई थी उसके बाद स्क्रिप्ट के साथ कि कैसे डायलॉग्स मैं बोलूँगा, तो वो सारी ट्रेनिंग हुई थी. छोटा भीम जो पोशाक है वो बहुत अलग तरह की है, क्या इस किरदार को निभाने से पहले आपने उस तरह की कभी पोशाक घर में पहनी है? नहीं, मैंने उससे पहले छोटा भीम जैसी नहीं, बट कभी कभी इंस्टाग्राम के लिए मैंने धोती वगैरह पहनी है. बट छोटा भीम की तरह जैसे इसमें कॉस्ट्यूम है ऊपर ऐसे खाकी जैसा, तो मैंने वैसे ड्रेस कभी नहीं पहनी है. बट यार नीचे धोती मैंने पहनी है एक दो बार. जब शूटिंग के लिए धोती पहननी पड़ती थी कितनी तकलीफ होती थी और कितना सहज रहते थे आप? सबसे मेन प्रॉब्लम इस कॉस्ट्यूम में जो मेरे पूरे शूट में आई थी, जब नाइट शूट्स होते थे तो बहुत ठंड लगती थी. बिकॉज हैदराबाद जहाँ पे शूट हो रहा था और राजस्थान में भी जब शूट हो रहा था, तो नाइट शूट में राजस्थान में तो अलग ही लेवल की ठंड पड़ती थी, और हैदराबाद में भी ठंड तो पड़ती ही थी नॉर्मल जितना होता था, क्योंकि दिसंबर के टाइम में जब शूट हो रहा था तो उस टाइम विंटर सीजन स्टार्ट हो गया था. तो उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी इसमें, बिकॉज पूरा बेयर बॉडी था मैं यहाँ से, तो फ्रॉम शोल्डर्स. और ये धोती भी ऐसी थी कि कभी कभी यहाँ से खुल जाती थी, ये नीच से खुल जाती थी, तो वहाँ पे भी पूरा ठंडा लगता था. सो दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड जब मैं धोती पहनता भी था तो डेज में भी ये प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ से खुल जाती थी वो, तो उसको बार बार सेफ्टी पिन से ऐसे बंद करना पड़ता था जिससे आई एम नॉट नेकेड फ्रॉम डाउन. एंड इस जब ऊपर का मैं पहनता था तो उसमें मुझे जैकेट पहननी पड़ती थी बार बार सीन्स के बाद, रात के टाइम पे नाइट शूट्स में, जिससे मुझे ठंड ना लगे. आप छोटा भीम देखते रहो, उसके फैंस रहे, और आपने छोटा किरदार भीम का किरदार भी निभा लिया, आपके अनुसार छोटा भीम क्या है? मेरे लिए छोटा भीम क्या है? मेरे लिए छोटा भीम एक आइडियल लड़का है
जो आई थिंक इंडिया के बहुत से बच्चे बनना चाहते हैं उसकी तरह. वो एक आइडियल बॉय है, एकदम मैनर्ड, एकदम वेल मैनर्ड है, सबकी हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग है, अपने फ्रेंड्स और अपने एरिया जिसमें वो रहता है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. सो ही इज़ बेसिकली द आइडियल बॉय. क्या कभी आपकी निजी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त को किसी को बताने के किसी झगड़े हो? नहीं, मैं नॉर्मली लड़ाई नहीं करता हूँ, बट अगर ऐसे लड़ाई हो जाए तो मैं पीछे भी नहीं हटता. इस फिल्म में आपके जो टीचर में नजर आया उसमें ये नजर आया कि एक बहुत बलशाली और बहुत बड़ी फैट और लंबे कद के इंसान के साथ आपकी कुश्ती वगैरह हो रही, झगड़े हो, वो कैसे किया फिर आपने सब? वो पूरा ही स्क्रिप्टेड था जैसा होती है फिल्म में. सो मुझे हार्नेस पहनाई गई थी एंड वो सर को भी हार्नेस पहनाई गई थी, शाजी सर, जिन्होंने वो रोल प्ले किया था, वो रेस्लर था. सो बट उसके बाद भी बहुत डिफिकल्ट आई थी क्योंकि शाजी सर बहुत स्ट्रांग है और जब हमें से रेस्लिंग कर रहे थे तो मुझे एक तो बार फिंगर्स में भी चोट लग गई थी बिकॉज उनकी फिंगर्स मूव भी नहीं होती है. सो उसके और उनका वेट भी मुझसे मेरे कंपेरिजन में बहुत बड़ा है. तो अगर कोई ऐसा सीन होता था कि मुझे उन्हें उठाना हुआ तो उसमें हार्डनेस के बाद भी प्रॉब्लम आती थी बिकॉज इनिशियली तो मुझे ही उठाना पड़ता है ना, उसके बाद वो हार्डनेस वेट लेती है. सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट. फिल्म में आपके साथ पूरी एक गैंग है छोटे बच्चों की है जी. वो बच्चे कौन कौन है, उनसे भीम के क्या संबंध है? उस पूरी भीम टीम ही है तो सबसे क्लोजेस्ट जो भीम के है वो है छुटकी. वो भीम की बेस्ट फ्रेंड है और पार्टनर है बिल्कुल, वो हर चीज़ साथ में ही करते हैं. फिर उसके बाद राजू है, वो उनके फ्रेंड सर्कल का पार्ट है. और राजू का बेस्ट फ्रेंड जो है और जो मेरा भी म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड है वो है जग्गू, एक मंकी, टॉकिंग मंकी है जो ह्यूमन स्पीच बोल सकता है एंड वो हमारी बहुत हेल्प करता है, जैसे लड्डू चुराना है भीम के लिए तो वो ऐसी हमारी बहुत हेल्प करता है. और फिर है कालिया, भीम का राइवल, जो हमेशा उससे लड़ने के लिए रेडी रहता है कि आई एम बेटर देन भीम. एंड फिर कालिया के दो चमचे ढोलू और भोलू, जो हमेशा कालिया का साथ दे देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी वो उसका मजाक भी उड़ा देते हैं. सो यही है भीम की टीम. इन टीम के साथ जब भीम काम कर रहा था, क्या उस वक्त भीम को, मतलब आपको, अपनी निजी जिंदगी के दोस्त याद आ रहे थे? हाँ, याद आ रहे थे बिकॉज ये पूरी छोटा भीम का शूट अराउंड 1 ईयर तक स्ट्रेट चल रहा था. बीबी में ब्रेक्स होते थे बट मोस्ट ऑफ द स्कूल लाइफ तो मिस ही हो रही थी उससे. सो यस, आई वॉज रिमेम्बरिंग माई फ्रेंड्स अ लॉट. मैं मिस कर रहा था उन्हें कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ पूरे शूट की वजह से. नहीं, कभी किसी किरदार में आपको अपना कोई दोस्त याद आया कि वो भी इसी तरह का है? नहीं, वो लोग बिल्कुल ही अलग है. चलिए, इसकी शूटिंग हैदराबाद में भी हुई, राजस्थान में भी हुई, आपने बताया कि ठंड में थोड़ी तकलीफ होती थी, बाकी कौन से ऐसे सीन थे जहाँ तकलीफ हुई या कौन से सीन थे जो बहुत आसान थे आपके लिए? मेनली जो हार्ड सीन्स थे वो एक्शन सीन्स ही थे क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी एक्शन सीन्स नहीं किए हैं. सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी और मेरी बॉडी भी बहुत स्टिफ थी उसकी वजह से एंड आई वॉज नॉट यूज टू द हार्डनेस एंड ऑल द स्टफ. सो मुझसे एक बार वो भी, जैसे आपने टीजर में लास्ट में देखा होगा कि वो टाइगर जंप कर रहे हैं मेरे ऊपर, सो वो बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट यूज टू दैट. आई डिड नॉट नो हाउ टू बैलेंस माई बॉडी. सो वो जो पूरा ऐसे नीचे हो जाता है पूरा भीम, सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट. मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से. सो इट वॉज रियली अ क्विक थिंग, लाइक वो सीन ऐसे ही हुआ था. सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट एंड वो टाइगर वाले ही सीन जब आप पूरा फिल्म में देखोगे तो आपको पता लगेगा वो कितना डिफिकल्ट था. उसमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे उस पूरे सीक्वेंस में. और उसके बाद राजस्थान में भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी बिकॉज जो वो रेगिस्तान था पूरा, वहाँ नाइट में कीड़े मकौड़े अंदर से आ जाते थे वहाँ रेत में से, और कई बार तो बिच्छू भी देखने को मिला था वहाँ पे. तो वो तो थैंकफुली हमें से कोई भी हर्ट नहीं हुआ था, बट एक बार हमारे एक क्रू मेंबर थे उनको काट लिया था बिच्छू ने. सो दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक. बट या वहाँ रात में पता नहीं कौन कौन से अजीब गरीब कीड़े जो कॉकरोच जैसे थे बट थे नहीं, वैसे बीटल्स थे आई थिंक, ऐसे अजीबो गरीब इंसेक्ट लाइफ बाहर निकलती थी अपने होल्स में से. सो दे वर रियली डिफिकल्ट
बट जो इजी सीन्स थे वो तो नॉर्मल टॉकिंग, क्योंकि मैंने हमेशा टॉकिंग ही की है अपने एक्शन अपने एक्टिंग करियर में, सो या द टॉकिंग सीन्स वे इजी। छोटा भीम में आपने डांस भी किया है, क्या डांस की ट्रेनिंग ली है या बचपन से शौक रहा है डांस का? डांस का शौक तो मुझे बचपन से ही था। तो जब हम मुंबई आए थे तो पापा और मुझे लगा कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो डांस भी आना ही चाहिए, बिकॉज हम फिल्म्स देखते थे और फिल्म्स में हर एक्टर का एक अलग सॉन्ग होता था जिसमें वो डांस करते थे। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से थोड़ी दूर किंग्स यूनाइटेड का एक डांस स्टूडियो था, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली अराउंड 6 to 7 months, ऐसे थोड़ा 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 थोड़ा, पहले 1 month फिर 2 months लगातार, ऐसे बिट्स एंड पीसेस में मैंने अराउंड 6 to 7 months के लिए ट्रेनिंग ली थी वहाँ से डांस की। ये ट्रेनिंग कितनी मदद कर रही थी शूटिंग के समय? बहुत, क्योंकि अगर मुझे वो डांस कोरियोग्राफर सर जो भी मुझे सिखा रहे थे वो मैं इजीली ग्रास्प कर पा रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी रिदमिक थी, मुझे रिदम आ चुकी थी, सो दे वर कंपैरेटिवली इजीयर टू। इस फिल्म में छोटे बच्चे हैं एक तो, दूसरी तरफ मगर देशपांडे सहित तमाम बड़े कलाकार भी हैं, मतलब खेल भी है कई लोग हैं। और जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था उसमें मकरंद देशपांडे ने कहा था कि हमने इन बच्चों से सीखा है, ये क्या था, वो क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्या सिखा दिया आप लोगों ने? मकरंद सर इज जस्ट टू हम्बल, उल्टा हमने उनसे सीखा था, एंड वो तो हमारे साथ शूट करके खुद ही बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल, वो हमारे साथ शूट में खेलते हैं एंड वो हमारी बहुत टेक केयर भी करते हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं वो। एंड मेरे ही एक्शन सीन में जब मकरंद सर मेरे साथ बैठे रहते थे तो मेरे लिए बहुत केयर करते थे वो लोग, वो बोलते थे वहाँ पे शूट में कि मुझे पानी दो, या फिर जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जैसे धूल मिट्टी अगर जा रही है तो वो मेरे लिए लोगों को बुलाते थे। सो या ही इज़ रियली स्वीट एंड मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा एक्टिंग के लिए, या ही इज़ जस्ट वंडरफुल। अनुपम खेर के साथ काम करने के क्या अनुभव रहे? अनुपम सर भी बहुत अच्छे हैं, और वो भी हमारे साथ बीच में शूट में वो गेम्स खेलते थे, जैसे एक एक्यूनेटर गेम है वो खेलते थे हमारे साथ, और हमें सीन्स में बहुत हेल्प करते थे वो। जैसे एक सीन है हमारा बीच में शूट में जो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था, उसमें इमोशंस की बहुत ज़रूरत थी, सो अनुपम सर ने हम सारे बच्चों को कोच किया था कि ऐसे करो, एंड दैट सीन लुक्ड वंडरफुल। नाउ उस सीन के बारे में बताना चाहेंगे, क्या है सीन वो? वो आपको शुगर फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। चलिए, इस फिल्म में बाकी कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई? सबसे पहले तक्षिका मैम, वो भी मकरंद सर के साथ ही है, उनका रियल नेम नवनीत ढिल्लो मैम है, सो वो भी बहुत अच्छी थी, वो खासकर छुटकी और मेरे साथ ऐसे गेम्स खेलती रहती थी पूरे टाइम जब फ्री होते थे वो। एंड उसके बाद जिन्होंने राजा इंद्र वर्मा जी का रोल प्ले किया था, संजय बिश्नोई सर, वो भी बड़े कूल थे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग टुगेदर। एंड वैसे तो सबके साथ ही अच्छी ट्यूनिंग थी, जो भी ऐसे सिपाही थे वो सब एकदम एंजॉय करते थे हम सब। और जो भीम की अपनी टीम है? हाँ, उनके साथ भी एकदम बहुत एंजॉय करते थे हम, एंड सेट में हम पूरा खेलते रहते थे पूरा टाइम। क्या खेलते थे आप बच्चे सारे मिलकर? नॉर्मली हमें अलाउड नहीं होता था ज़्यादा शोर शराबा करना, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन के जो हमारे फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर सर थे उन्हें लगता था हमको तोड़ देंगे, जो हमने एक्चुअली में एक दो बार तोड़ा था, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम सब बैठ के खेलते थे, जैसे संडे मंडे हो गया या फिर और भी ऐसे गेम्स हो गए तो वैसे बैठ के खेलते थे, जैसे वो हो गई अंताक्षरी हो गई या फिर एटलस गेम हो गया, हम वही बैठ के खेलते थे, वरना हम फोन में खेलने लग जाते थे जब फ्री होते थे। फिल्म के निर्देशक राजीव चिलाका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजीव सर इज जस्ट अमेजिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, छोटा भीम बनने की अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई कांट थैंक हिम इनफ, ही इज जस्ट अमेजिंग। एंड वो हमें सीन्स में भी बहुत हेल्प करते थे, ही इज जस्ट अमेजिंग, आई हैव नो वर्ड्स। पंगा की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर थी, हाँ, इसकी राजू चिलाका है, विश्वा का डायरेक्टर कोई और होगा, तो जो चारों डायरेक्टर्स हैं किस डायरेक्टर से क्या सीखा? किस डायरेक्टर से क्या सीखा? वेल, अश्विनी मैम जो पंगा के डायरेक्टर थी
उन्होंने मुझे इमोशंस सिखाए थे कि इमोशंस कैसे करने, रियलिस्टिक एक्टिंग. शी वॉज बेसिकली अ स्टार्टर फॉर मी और उन्हीं की वजह से मैं अच्छे से एक्टिंग कर पाता हूँ आज. फिल्म्स की जो एक्टिंग होती है वो उन्होंने ही मुझे सिखाई थी. शी वॉज अ स्टार्टर. एंड देन बिश्वा के जो डायरेक्टर थे उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि ऐसे चैलेंजिंग रोल्स को अडेप्ट कैसे करते हैं. Because it was, I was a blind boy in the film, so he taught me how to adapt to these challenges an actor faces in these unique characters. And then जो बाल नरेन के director sir थे उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बड़े बड़े dialogues कैसे करते हैं और body language को कैसे करते हैं. And lastly राजीव सर छोटा भीम के director उन्होंने मुझे यही सिखाया कि actions कैसे करते हैं. And basically उन्होंने मुझे acting में और भी ज़्यादा help की कि acting कैसे करेंगे अच्छे से. एंड बेसिकली जो ये कार्टूनिश एक्टिंग होती है जो लाइव एक्शन में यूज होती है ही टॉट मी दैट. चलिए अब ये जब फिल्म रिलीज होने जा रही है तो किस तरह की दिमाग में आपकी बातें चल रही हैं या क्या उत्साह है क्या है? बेसिकली मैं तो अभी बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए कि कब फिल्म रिलीज होगी. एंड आप सब देखेंगे कि हाउ मच एफर्ट्स वी पुट इनटू द फिल्म एंड हाउ गुड द फिल्म टर्न्ड आउट. And I am sure all of you will love it. And especially those who love Chhota Bheem, they will love it. And जिन्होंने Chhota Bheem नहीं भी देखा है उनको भी बहुत मजा आएगा इस फिल्म में. And मैं आशा करता हूँ आप सब अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे and आप सब मजे करेंगे फिल्म देख के. Chhota Bheem एक कार्टून फिल्म थी, अब उस पर लाइव फिल्म है जिसके आप हीरो हैं, मेन लीड किया आपने. आपको नहीं था यहाँ पे एक इतिहास गढ़ा है, हिस्ट्री गढ़ी है? आई एम जस्ट रियली प्राउड, आई एम फीलिंग रियली प्राउड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मेरा ये एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक राजीव सर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है Chhota Bheem बनाने के लिए. एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड क्योंकि Chhota Bheem जैसे मैंने बोला मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ. So Chhota Bheem is basically a dream project to me and I just can't believe कि मैं Chhota Bheem देखते देखते खुद Chhota Bheem बन गया. So I just feel amazing. जब आप Chhota Bheem देख रहे थे क्या उस वक्त कभी आपने सोचा था कि आपको वो करेक्टर निभाने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कभी हो भी सकता है मेरे साथ. बट अब जब हो गया है सो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये सच में ये सब हो रहा है. एंड I just you can't even imagine कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अभी. एंड पता ही नहीं लगा शूटिंग भी खत्म हो चुकी है अभी तक. एंड आई जस्ट कांट बिलीव कि मैं Chhota Bheem हूँ. आपने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साथ एक फिल्में की हैं, जब आपने इन दोनों साथ काम किया था क्या अनुभव हुए थे, इनसे क्या सीखा था आपने? वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत छोटे थे, एड्स ही थे. बट यस, उनके एक्सप्रेशन से मुझे सीखने को मिला था क्योंकि नॉर्मली हमने उतनी चैटिंग नहीं की थी उन प्रोजेक्ट्स के टाइम पे. बट यस, उनकी एक्टिंग को ऐसे फेस टू फेस देख के भी बहुत सीखने को मिला था कि वो कैसे ये एक्टिंग के सिनेरियोस को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, वो डायलॉग्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं. सो यस, दैट वाज अ लॉट. अब आपने जब चार फिल्में कर ली है, कुछ सीरियल कर रहे हैं, आपने अंदर क्या बदलाव पाते हो? चेंजिंग तो यही है कि आई कैन एक्ट बेटर नाउ क्योंकि पंगा फिल्म के बाद स्पेशली आई थिंक दैट आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग बेटर देन बिफोर थैंक्स टू अश्विनी मैम जिन्होंने मुझे वो वर्कशॉप्स करवाई थी पंगा से पहले. फिल्म्स की जो एक्टिंग होती है वो सिखाई थी. सो एक्टिंग और अब मैं एक्शन सीक्वेंसेस भी कर सकता हूँ अच्छे से और उन्हीं एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बन चुका हूँ. पहले भी थोड़ा था बट अभी एक्शन सीक्वेंसेस के बाद और फ्लेक्सिबल बन चुका हूँ मैं और मुझे थोड़ी सी फाइटिंग खुद भी आ गई है तो कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं और मुझे अब मैं अडाप्ट अच्छे से कर पाऊंगा अगर मुझे और फ्यूचर में भी कोई ऐसे चैलेंजिंग रोल मिलेगा बिश्वा की तरह. सो आई विल बी एबल टू अडाप्ट बेटर. मैंने सुना जब आप नैनीताल में थे तो आप हॉलीवुड फिल्में देखा करते थे. yes. कौन सी फिल्में पसंद थी और क्या किसी हॉलीवुड फिल्म ने आपको इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए? मैं नॉर्मली सुपर हीरो फिल्म्स ही देखता था जैसे एवेंजर्स हो गई या फिर जो इंडिविजुअल सुपर हीरो फिल्म्स है थॉर कैप्टन अमेरिका मैं उन्हीं को मेनली देखता था. एंड यस, वो फिल्म्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था
स्पेशली कैप्टन अमेरिका की फिल्म, उसमें मेरे फेवरेट एक्टर हैं क्रिस एवंस, सो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि यस मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे इन्हीं की तरह टीवी पर आना है। आपको नहीं तो छोटा भीम भी कहीं ना कहीं सुपर हीरो वाली फिल्म है? यस, वो इंडिया का पहला सुपर हीरो है छोटा भीम, जिस पर फिल्म बन गई। यस, चलिए सोशल मीडिया पर कितना बिजी रहते हो, क्या करते हो सोशल मीडिया पर आप? सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ट्विटर पे हूँ और फेसबुक पर भी हूँ, और भी है थ्रेड्स वगैरह, बट यस मैं उनकी वजह से अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, एंड स्टडीज इज डेफिनेटली माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड मैं एक्टिंग के टाइम पे भी मैं मेनली अपनी स्टडीज पे ही फोकस करता हूँ, बट यस जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो यस मैं अपने सोशल मीडिया पे भी फोकस करता हूँ थोड़ा। तो सोशल मीडिया पर क्या लिखते हो या क्या किस ढंग की तस्वीरें पोस्ट करते हो? मैं नॉर्मली रेगुलर पोस्ट करता हूँ या फिर रील्स बना लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, या डांस वीडियोस, क्योंकि मैंने डांस की ट्रेनिंग ली ही है तो मैं उस डांस को यूटिलाइज करता हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। आपने सोशल मीडिया पर ये भी जिक्र किया होगा कि भैया आपकी छोटा भीम फिल्म आ रही है, लोगों ने कोई कमेंट किया किसी ने कुछ? यस, अच्छे कमेंट्स आ रहे थे सब, एंड दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट, जब वो ऑनलाइन पीपल जो मेरी बेसिकली फैमिली ही बन गई है, माय ऑनलाइन फैमिली, तो जब उनके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, सो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि यस आई एम एंटरटेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड, सो यस दे आर वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। छोटा भीम के बहुत से फैंस ऐसे होंगे जो कि आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जब उन बच्चों को पता चला कि छोटा भीम आप बने हैं, किसी ने क्या कहा? सब तो एक्साइटेड ही थे बेसिकली, बट मैंने ही उन्हें कहा था कि स्कूल में मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ तो आप मुझे प्लीज़ एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए, बट यस उन्होंने मेरे साथ फोटोज ली थी और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे इसके लिए। आगे चल के क्या बनना है, क्या बनना है, किस तरह से एक्टिंग करियर में जाना है या और भी करना चाहते हो? मुझे मेरा मेन मोटिव तो एक्टिंग ही है, एंड मैं चाहूँगा मैं फ्यूचर में हॉलीवुड में भी स्टार्ट करूँ एक्टिंग, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स करूँ हॉलीवुड फिल्म्स में, बट उसके साथ मैं डांसर भी बन सकता हूँ और मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक है, सो आई वुड लव टू बी एन ऑथर टू। अभी भी लिखते हो क्या कुछ? यस मैं स्टोरीज लिखता हूँ, अभी मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुका हूँ। क्या बात है, ये क्या रियल इंसिडेंट्स पर है आपकी कहानी? नहीं, एक फिक्शनल स्टोरी है वो, डिफरेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। कहाँ से कल्पना करते हो ये? मैं शोज देखता रहता हूँ, एनिमे शोज देखता हूँ, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन आती है और फिर मैं उसी को तोड़ मरोड़ के अपनी इमेजिनेशन लगा के लिख देता हूँ। बाकी घर की रोज की एक्टिविटीज क्या है आपकी? रोज की एक्टिविटीज मैं अब स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ, जिससे एक्टिंग में भी मुझे बेनिफिट होगा और मेरी हाइट भी बढ़ेगी थोड़ी, एंड इट वुड कीप मी फिट, और उसके बाद मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, और स्टडीज तो है ही एक रेगुलर चीज़, वो तो रोज ही होती है, एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे भी अराउंड 1 आवर में स्पेंड कर लेता हूँ एक दिन में कॉन्टेंट बनाने के लिए, एंड उसके बाद और भी जैसे अपने सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, सो दीज आर ऑल रेगुलर एक्टिविटीज। इसके बाद कौन सी फिल्में आ रही, क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ छोटा भीम ही है, अभी तो पूरा फोकस छोटा भीम पे ही। तो कुछ फिल्में हैं या नहीं आपके पास? है, बट अभी अभी मैं सिर्फ छोटा भीम पे ही फोकस कर रहा हूँ। चलिए यज्ञ भसेन जी, फिल्म संगम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।